जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं रुकमणी पब्लिकेशन का दोस्तों वॉल्यूम 3। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो री एग्जाम 2024 में हो रही है उसके लिए अति महत्वपूर्ण जो 7 अगस्त से स्टार्ट है, इसमें टोटल 20 सेट प्रैक्टिस है दोस्तों, जिसमें मैंने कितना करा दिया है आज जो कौन से करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप पहली बाइस पे करते होंगे तो आपको पता होगी यह जो है टेस्ट सीरीज नंबर 19 है, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण यह सेट प्रैक्टिस है दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट राउंड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, ठीक है। जैसे ही 20 कंप्लीट होगी दोस्तों, टोटल के टोटल मैं करा दूंगा, जैसे मैं हर वीडियो में कहते आया हूँ, टोटल आपको एक वीडियो में 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 19 को और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टेस्ट सीरीज फॉर बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेट नंबर 19, देखिए जिसमें पहला प्रश्न क्या बनता है। पहला क्वेश्चन इसमें है, दिया क्या गया है, आप देखोगे तो भारत में कह रहा राशन प्रणाली की शुरुआत पहली बार कब हुई थी, बताइए भारत में कब हुआ था। तो आंसर क्या बनेगा आपका, बताइए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, 1940 के दशक में हुआ था, है ना, 1940 के दशक में हुआ था। 1943 से 44 में बंगाल में अकाल की स्थिति बनी थी, इस समय इसी कारण जो है इस क्षेत्र में राशन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। हरित क्रांति के जो है पूर्व भारी जो खाद्य संकट के कारण 1960 में कब 1960 के दशक में के दौरान जो है राशन प्रणाली की पुनर्जीवित किया गया था। 1992 में देश में जो है 1700 ब्लॉकों में जो संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, तो कह रहा है कि विश्व बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट वर्ष किस वर्ष जो है जारी किया जा रहा है, किस वर्ष से जारी किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा विश्व विकास रिपोर्ट किस वर्ष से जारी किया जा रहा है, तो आंसर क्या बनाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 से, 1978 से किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब वर्ष 2023 में वैश्विक विकास दर कितना रहा था, यह भी आप जान लो, तो कितना रहा था 2.6 रहा था। और 2024 के लिए कितना कहा गया है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था प्रतिशत कितना था 7.5 आंसर 7.5 2024 के लिए। अब बताइए भारतीय स्टेट बैंक SBI का जो है राष्ट्रीयकरण वर्ष कब हुई थी, बताइएगा SBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आंसर बनेगा आंसर सी 1955 में, कब 1955 में होता है। और बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना 1806 में होता है, 1806 में होता है। और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में होता है, 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में होता है ना। अगला क्वेश्चन देखोगे, कह रहा है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद का जो है मापा जाता है किस दर पर मापा जाता है, तो यह मापा जाता है स्थिर दामों पर, आंसर क्या बनेगा बी, स्थिर दामों पर मापा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि व्यापारी विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष शुरू हुआ था, विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब हुआ था, तो आंसर बनेगा 1929 में, आंसर क्या बनेगा 1929 से 33 के मध्य में आई थी। न्यूयॉर्क के शेयर बाजार जो है अक्टूबर 1929 में धाराशाही हो गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% सीट आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, पहला राज्य बिहार बना है, आंसर ये। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या कितना है, सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या आपको बताना है, तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी, एक उसमें मुख्य न्यायाधीश और 33 जो है अन्य न्यायाधीश हैं, तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन सी होगा। लोकसभा में जो बहुमत दल के नेता कौन होते हैं, बताइए लोकसभा में जो बहुमत लाते हैं वो कहलाते हैं प्रधानमंत्री, आंसर बी होगा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में कौन थे, तो आंसर बनेगा कांशीराम, कौन है कांशीराम, आंसर ए बनेगा कांशीराम। कांशीराम ने वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे। वास्को डिगम्मा कहाँ का यात्री था, बताइए वास्को डिगम्मा कहाँ का यात्री था, पुर्तगाल का था। भारत कब आया था 1498 ईस्वी में, केरल राज्य के जो है कालीकट तट पर आया था, राजा जमोरे ने उसका स्वागत किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है कब और कहाँ पर हुआ था, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो है 1936 में लखनऊ में हुआ था, आंसर डी बनेगा। पटना का पुराना नाम क्या था, पटना का पुराना नाम क्या था, तो ये तीनों कुसुमपुर, पाटलिपुत्र और अजीमाबाद। अगला क्वेश्चन देखिए, सांची का जो है महान स्तूप किस राज्य में है, सांची का महान स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, आंसर बी बनेगा, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि इसमें बताना है आपको सांची का स्तूप जो, जैसे आपको बताया दोस्तों यह अशोक ने बनवाया था, तो स्तूप का जो सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है ना,
कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। अब बताइए कि यह जो फिगर आप देख रहे हो ये किस फिगर में निहित है, आपको बताना है ना। बताओ किस फिगर में ये निहित है, तो आप खुद देखो और बताओ ये कौन से फिगर में निहित है। आपको मिली कि नहीं? देखिए ये वाली फिगर क्या मिल रही है, खुद देखो, ये मिल रही है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बताना है क्या कि खाली स्थान को भरना है, तो खाली स्थान इसमें है, बीच में बताइए क्या होगा यहाँ पे। तो देखो कैसे बनाएंगे हम लोग यहाँ पे, 484 ये 22 का होल स्क्वायर होता पता है, 576 ये किसकी होती है, 24 का, और ये कितनी, 23 का होती है। इस तीनों का सम कर दो, 22 24 और 23, तो तीनों का सम करोगे ना 69 आ गई। तो यहाँ पे भी सेम करो, 225 15 का होता है, 256 16 का होता है, और 289 ये किसकी होती है, तो यह होता है 17 की होती है ना। तीनों को ऐड कर दो, 16 17 15 45, और 3 कितनी हुई, 48। आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, कह रहा है 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब सीमा की बाई ओर दो स्थान हस्तांतरित किया जाता है तो वह बाएं सिरे से सातवें स्थान में पहुंच जाती है, तो पंक्ति के दाहिने से उसका पहले की स्थिति क्या थी, आपको बतानी होगी। तो पहले की स्थिति क्या थी बताइए, तो पहले की स्थिति उसकी 8वीं थी। आंसर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा यहाँ पे, यानी कि पहले 7 परिवर्तित जो बाएं से करती है, 7 + 2 यानी 9वां स्थान, परिवर्तन से पहले सीमा के स्थान दाहिने से 16 में से सीधे 19 घटा 16 में से 9 और +1 कर दो, तो 8वां स्थान आएगी। अब देखो कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइटम, क्या है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का मतलब होता क्या है, मतलब हार का सामना करना, तो आंसर क्या बनेगा, टू सफर अ डेथ, टू सफर अ डेथ आंसर बनेगा ए, डिफीट। अगला देखिए, पार्ट ऑफ अ फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिविंग हैव बीन गिवेन एज अ ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। तो क्या है, पहले देखिए सेंटेंस, आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, आई शैल बी प्लेइंग फॉर 4 आवर्स, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, आंसर बनेगा शैल बी प्लेइंग, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, शैल बी प्लेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस क्या है, द मदर डैश द चिप्स बिकॉज दे वेयर शोगी डैश, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा डिस्चार्ज, डिस्कार्डेड आंसर बनेगा, डिस्कार्डेड ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवेन आइटम, क्या है, हैव एग ऑन योर फेस, हैव एग ऑन योर फेस, तो आंसर क्या बनेगा बताओ, आंसर बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, टू बी मेड टू लुक फूलिश और एम्ब्रेस्ड, यानी क्या हुआ यहाँ पे, कहने का मतलब है कि मूर्ख बनाना है ना, तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या है, अ पर्सन हु अवॉइड्स सेंसोरी प्लीजर एंड फिजिकल कम्फर्ट्स, तो आंसर क्या बनेगा बताओ, मतलब कहने का भौतिक और सांसारिक दुखों सुखों से क्या है, विमुख व्यक्ति, उसके लिए क्या लिखेंगे, तो असेंटिक, क्या लिखेंगे, असेस्टिक आंसर बनेगा भी, असेस्टिक। नेक्स्ट देखो क्या है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट फॉर द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवेन सेंटेंस, क्या है, फ्रांस इज अ लार्जेस्ट कंट्री, फ्रांस इज अ लार्जेस्ट कंट्री, इसके लिए लार्जेस्ट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग बताओ, तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर डी, लार्ज होगा, लार्जेस्ट नहीं बल्कि लार्ज, क्योंकि यहाँ पे कंपेयर किसी से नहीं किया जा रहा, बस बताना है कि फ्रांस जो क्या है, लार्ज कंपनी है, तो आंसर बन कंट्री है, आंसर डी होगा। आपको बताना है इनकॉरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए इसमें कौन है इनकॉरेक्टली, तो आप देखोगे इनकॉरेक्टली जो है यहाँ पे कन्फ्यूज है, कन्फ्यूज जो है यहाँ पे इनकॉरेक्टली है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन सी होगा, इनकॉरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो करेक्ट क्या होगा यहाँ पे, यह हो जाएगा CONFEES, यहाँ पे डबल एफ नहीं होगा है ना, एक एफ होगा, कन्फ्यूज, कन्फ्यूज मीन्स क्या होता है, स्वीकार करना, मानना, तो आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन हमारा सी होगा। एक्सपोज मतलब आपको पता है क्या होता है, प्रकट करना है ना, कन्विक्ट मतलब क्या होता है, दोषी ठहराना, और इसका मतलब तो पता है, स्त्रियों के प्रति जो है सम्मान व्यवहार से संबंधित रखना है। अगला देखो, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम, होप, होप मतलब क्या होता है बताओ, यह एक नाउन है, इसका मतलब आशा होता है ना, क्या होता है, आशा, किसी से आशा, मतलब होप, तो आंसर क्या बनेगा इसका बता दो, आंसर बनेगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, विश, आंसर क्या बनेगा बी, विश। रिलीज मतलब क्या होता है, वास्तविक होता है ना, कौशन मीन्स क्या होता है, तो कौशन मीन्स होता है सावधानी है ना,
साइनीज मतलब क्या होता है? साइनीज मतलब होता है दोष दोषदर्शित। अगला देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन है सही। तो देखो इसमें सबसे सही कौन है? संस्कृत, ये सही है, करेक्ट आंसर डी है। जो अच्छा बोलता हो उसके लिए शब्द कौन सा होगा? जो अच्छा बोलता है उसके लिए शब्द कौन सा होगा बताइए? उसके लिए है सुवक्ता, आंसर सी बनेगा। राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर सी, अपने आन के लिए। मिथ्या का विलोम बताइएगा, मिथ्या का विलोम क्या होगा? तो मिथ्या का विलोम होगा सत्य, आंसर ए बनेगा सत्य। जिसे किसी का डर न हो वाक्यांश का एक शब्द है, वो कौन सा शब्द है बताओ? तो वह शब्द है निर्भीक, आंसर बनेगा डी निर्भीक। जाह्नवी का पर्यायवाची है, जाह्नवी का पर्यायवाची बताइए? तो जाह्नवी के जो है सुरसरी, आंसर बनेगा सी सुरसरी। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। सूर्य का पर्यायवाची बताइए, सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर, आंसर ये बनेगा दिवाकर। अगला देखो, सही वर्तनी वाले शब्द को हमको चयन करना है, तो इसमें बताओ सबसे सही कौन है? अब खुद देखो तो आंसर आपको क्या मिलेगा बताओ? करेक्ट आंसर भी मिलेगा। निम्नलिखित में हमें कथन गलत बताना है, तो कौन गलत कथन है? देखिए, गतिज ऊर्जा शून्य धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है, हमें ढूंढना है क्या गलत, बिल्कुल क्या हो सकती है? नहीं हो सकता है, तो करेक्ट हमारा क्या आंसर बन गया? पहला ही बन गया। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसमें गतिमान वस्तु का त्वरण ज्ञात किया जा सकता है, बताइए किसमें किया जा सकता है? तो आंसर क्या बनेगा? करेक्ट आंसर बताइए क्या बनेगा इसका? ऑप्शन सी बनेगा, यह होगा वेग समय ग्राफ के ढाल के द्वारा किया जा सकता है ना, यानी आप ऐसे दिखा सकते हो एक तरह से, ये जो है नीचे की तरफ आ रहा है, इस पे दिखा सकते हो ना, ये टाइम हो गई आपकी और ये वेलोसिटी वेग हो गई आपकी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक तरल जिसका घनत्व मरकरी के घनत्व से दुगुना का उपयोग बैरोमीटर में किया जाता है, तब एक वायुमंडल दाब जो है द्रव के कितना सेंटीमीटर के बराबर होगा आपको बताना होगा? तो कितने के बराबर होगा बताइए? तो चलिए हम लोग यहाँ पे बना के दिखा देते हैं आपको क्या होगा। दाब प्रेशर इक्वल क्या होता है? एच पी जी होता है ना, तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास क्या, आप लिखोगे एच पी जी जो दे रखा है वहां पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखिए जो नियत होती है ये एच वन इंटू पी वन इंटू जी इक्वल एच टू इक्वल पी टू और जी वन के इक्वल होगा, तो यहाँ पे फाइंड करना है एच टू, एच टू फाइंड करना है यहाँ पे, जैसे देखो एच वन पी वन और जी इक्वल हो जाएगी एच टू पी टू और जी के इक्वल है ना, तो यहाँ से हमें एच टू का फाइंड करना है, तो एच टू इक्वल आप यही ना लिखोगे कि एच वन पी वन जी बाई यहाँ पे लिखोगे पी टू और जी लिखोगे ना, तो यहाँ से जी जी कैंसिल हो गई, पी वन और पी टू तो रहेगी ही, और इसकी वैल्यू 76 है, कितने हैं 76 और गुणे पी वन और यह है टू और मल्टीपल बाई पी टू। अब देखो पी वन पी टू जो है ये क्या एक दूसरे के टू टाइम्स है, तो यहाँ पे इसको काटो कितने टाइम्स से आएंगे 3 और 8, तो आंसर क्या बन गया हमारा 38, राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा के सतह के नज़दीक दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही हैं तो क्या होगा? मुक्त रूप से गिर रही तो क्या होगा? किसी भी क्षण उनका वेग जो है समान होगा, आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, किसी भी क्षण उनका वेग समान होगा। कह रहा है कमानीदार तुला द्वारा हवा में किसी वस्तु का क्या मापा जाता है? तो आंसर बनेगा ए, वास्तविक वजन मापा जाता है, आंसर ये बनेगा वास्तविक वजन। कह रहा है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में किस पर निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो यह वस्तु के प्रारंभिक वेग पे निर्भर नहीं करेगा, आंसर बी बनेगा। ए और बी बिंदुओं के मध्य जो है प्रभावी प्रतिरोध हमारे पास दे रखा है, तो देखो इसमें कैसे फाइंड करेंगे। एक और ऐसी जस्ट क्वेश्चन दी हुई थी हम लोग के पास लगभग 17 या फिर 16 सेट नंबर में, एकदम सेम हुबहू यही थी, और आंसर कितनी आई थी आपको याद होना चाहिए था, 10 ओम था, है ना। देखो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे टोटल लिखेंगे 10 प्लस 10 × 10 प्लस 10 बाई कितनी हो जाएगी 10 प्लस 10, और यहाँ पे प्लस में होगी 10 प्लस 10, यानी देखो 20 प्लस 20 मतलब नीचे तो 40 हो जाएगी, ऊपर कितनी हो जाएगी तो 20 और गुणे 20 होगी, तो ये 1010 दो से काटो दो टाइम में, ये काटो दो से कितने टाइम में 10 टाइम में, तो कितने आ गए हमारे पास 10 ओम। अगला देखो, कह रहा है कि निम्न कथनों पे हमें विचार करना है, तो क्या है कथन? देखो कथन जो है हमारे पास कह रहा है बादलों में मौजूद कण सूर्य से आने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों के तरंग दैर्घ्य की तुलना में
बड़े होते हैं। दूसरा क्या है, श्वेत प्रकाश के सभी रंग लगभग समान मात्रा में प्रकीर्णित होते हैं। उपयुक्त में से कौन कथन हमारे धूप के दौरान बदले बादलों के सफेद रंग को जो है समझने में मदद करते हैं। तो एक और दो दोनों हो गए करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। कह रहा लाल रंग का प्रकाश कोहरे या धुएं से किसी किस प्रकार जो है प्रकीर्णित होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य जो है श्वेत प्रकाश के अन्य रंग घटकों की तरंग दैर्ध्य की तुलना में क्या होती है, क्या होती है, तो सबसे कम और अधिक होती है। आंसर सी बनेगा। बताना है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय पेशवा का पेंशन देकर किस स्थान पर भेज दिया गया था, तो उनको भेज दिया गया था कहाँ पे, बिठूर भेज दिया गया था। आंसर बनेगा सी, बिठूर स्थान पर भेज दिया गया था। कितना लाख देकर के, 8 लाख रुपये वार्षिक पेंशन देकर के कानपुर के बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया था यूपी में। हड़प्पा स्थल कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में है, कालीबंगा किस राज्य में बताइए, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे है कालीबंगा, राजस्थान में है। अगला देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, इसका स्थापना 1985 में होता है 8 दिसंबर को। निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था, तो कौन दिए थे बताइए, वो पाकिस्तान के थे, उनका नाम क्या है बताइए, जनरल याहूब खान या फिर जनरल याहा खान, लाल बहादुर शास्त्री तो थे नहीं या जवाहरलाल नेहरू भी नहीं, ये पाकिस्तानी कोई है, तो ए या फिर डी बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा, तो आंसर डी बनेगा, जनरल अयूब खान ने दिया था किनको, फ्लाइंग सिख की उपाधि मिल्खा सिंह को दिया था वर्ष 1960 में, पाकिस्तान के ये तत्कालिक राष्ट्रपति थे अयूब खान। अगला देखिए, विकास का अर्थ आर्थिक वृद्धि और डैश, तो आंसर क्या बनाइएगा, आंसर बनाएगा सामाजिक परिवर्तन है। और भारत के वित्त आयोग का जो है मुख्य कार्य क्या है बताइए, भारत के वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका क्या है, तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर है, केंद्र तथा राज्य के बीच जो है राजस्व का वितरण करना, आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही है, कौन सही है, तो करेक्ट आंसर देखोगे, किसी वर्ष में जन्मे 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या, आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा कि कृषि श्रमिक से हमारा क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है हमारा, तो पशुपालन में लगे श्रमिक, आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर डी। राष्ट्रीय बाजार में वस्तु के विक्रेता होते हैं, राष्ट्रीय बाजार में वस्तु के विक्रेता कैसे होते हैं, तो आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पूरे देश भर में फैले हुए। कह रहा है कि किसी सदस्य की मृत्यु या फिर इस्तीफा के बाद जो है होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं, तो बताइए क्या कहेंगे उस चुनाव को, उस चुनाव को कहेंगे हम लोग उपचुनाव, आंसर बी होगा। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितने सीट को आरक्षित किया गया है, 84, कितना, 84 सीटों को आरक्षित किया गया है। निम्नलिखित में से एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, कौन नहीं है बताइए, तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, आंसर सी बनेगा। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था, क्या था, तो यह था लोकतंत्र की स्थापना करना, संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य लोकतंत्र की स्थापना करना। अर्जुन ने 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 किलोमीटर की दूरी को तय अपने बाइक से चलता है, फिर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 14 किलोमीटर की यात्रा करता है ना, और पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल लगभग में कितनी होगी बताना है, तो चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी उसने कितना लिया है ये बताते हैं, कुल दूरी लिया है उसने 10/10 प्लस कुल ये जो लिया है टाइम कितना लिया है, देखिए 10 और प्लस 14 होगा, अब कितना लिया है, तो 10/30 प्लस 14/25 यही है ना इसका स्पीड, टाइम हो गया, इस यहाँ से हमारा टाइम निकल गया, तो चाल हमारा निकल जाएगा, देखो कितना हो जाएगा टोटल ऊपर 24 हो जाएगा, इसे कैलकुलेट करो, तो 1/3 और प्लस ये हो जाएगा 14/25, इसका एलसीएम ले लेते हम लोग, तो कितना आ जाएगा 75 एलसीएम आएगा, और ये हो जाएगा 25/42, अभी हमने ऊपर 24 छोड़ रखा है ठीक है, तो इस दोनों को ऐड कर दो कितना आ जाएगा 67 और ये आ जाएगा 75, और बाई यहाँ पे 24 था पहले से ओके। अब देखो ये कैसे हो जाएगी, तो 24 मल्टीपल बाई
75 ऊपर चल जाएगी और 67 नीचे, अब गुणा कर दो जो भी आएगी आपके पास 26.87 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि एक नाव जो है धारा के विपरीत दिशा में 375 मीटर की एक दूरी को 30 मिनट में तय करती है, 18 मिनट में वापस जो अपनी शुरुआती बिंदु पे आ जाती है, तो शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल के अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं शांत जल में नाव की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में, और धारा की चाल में y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगी, और धारा की विपरीत दिशा में, धारा की दिशा में क्या होगी x प्लस वाई होगी, और धारा के विपरीत में x माइनस वाई होगी ना। अब दोनों का दिया है सापेक्ष चाल, इसका कितना दिया है 375 मीटर जाने के लिए इसको चाहिए होता है 18 मिनट, और इसको जो है ये करने के लिए वापस आने के लिए कितना चाहिए 375 की दूरी पे 30 चाहिए, है ना। अब चलो इसे निकालते हैं हम लोग, इसका इससे 90 से हम लोग यहाँ पे मल्टीपल करते हैं। अब देखो 90 से जब आप मल्टीपल करोगे तो ये कितनी हो जाएगी 18 95, ऐसा लोग कोई फैक्टर जो नीचे को पूरी तरह से काट दे तो 18 95 पाँच टाइम में, ये काटोगे तो तीन टाइम में, यानी 375 को पाँच से या 375 को यहाँ पे तीन से कर सकते हो, यानी कितना आ गया हमारा 5/3 का रेशियो आ गया। तो 5/3 का जो रेशियो आया है, तो पहला हमारा x प्लस वाई था, तो 5/3 कितने हो जाएगी 8/2, दूसरा क्या था घटाना, तो 5 में से 3 घटाओगे 2/2, तो ये करोगे तो 4 और ये करोगे तो 1, यानी रेशियो क्या है 4/1 का रेशियो, ऑप्शन क्या बना ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की एक वृत्त की जीवा ए बी और सी डी वृत्त के अंदर बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती है, यदि ए बी 10 और पी सी 5 तो ए पी 4, तो हमें सी डी की वैल्यू फाइंड करना है, सी डी बराबर मतलब कितना होगा ये बताना है। तो देखिए एक वृत्त है यहाँ पे, इसकी जीवा दे रखी है, ये हमने सेंटर ले लिया, यहाँ पे एक जीवा है और एक यहाँ पे जीवा है, ओके। इसकी वैल्यू क्या रखी है, इसका नाम ए और इसका नाम बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, और ये पी पे बाइसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ओके। अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्या कि यह सी पी बाई बी पी, सी पी बाई बी पी यह इक्वल होगा ए पी बाई पी डी के, यह क्यों होगा, ये परिमेय होता है, इस कारण होगा, क्लास नाइन्थ में आप पढ़े होंगे, ये एक परिमेय होती है ना, क्लास नाइन्थ या टेंथ में है ये, सी पी इक्वल सी पी बाई जो है बी पी होती है और ए पी बाई पी डी होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है, सी पी की वैल्यू कितनी है बताओ, तो सी पी का वैल्यू आपने देख रहा है, सी पी या कही या पी सी कही बात तो एक ही है ना, सी पी कहो या पी सी कहो, तो 5 दे रखा है, तो 5 रखो पहले 5 बाई बी पी, बी पी की वैल्यू कितनी दे रखी, बी पी की वैल्यू 6 दे रखी है, 6 रखो इक्वल। अब देखो अब आपके पास क्या पूछ रहा है, ए पी, ए पी की वैल्यू कितनी है 4 है, ठीक है ए पी 4 है। अब देखो पी डी, पी डी की वैल्यू क्या दे रखी है, नहीं पी डी का तो वैल्यू दे ही नहीं रखा, तो इसको एक्स ले लो। अब देखो क्रॉस मल्टीपल कर लो तो कितनी हो जाएगी 24/5, 24/5 काटो, 5 × 20 और 5 × 48 मतलब 4.8 आ गया क्या, पी डी की वैल्यू कितनी आ गई 4.8 आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, सी डी की वैल्यू, ये टोटल वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4.8 और 4.8 दोनों को ऐड कर दो क्योंकि दो इक्वल हैं पार्ट्स, तो कितनी हो जाएगी 4.8 प्लस 4.8 करोगे तो कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगी और ये 9, मतलब कितना आ गया 9.6 आ गया हमारा। तो करेक्ट आंसर क्या बन गई, जो हमारे पास सी डी ये जो था सी डी यह कितना था, तो आपने देखा था इसमें क्या कि ये पी जो था हमारे पास यहाँ पे जो हमारा क्या था, ये बी और ये डी था और ये हमारा सी था। अब देखो जो हमारे पास सी डी फाइंड करनी है, तो क्या हम पी सी अब प्लस पी डी नहीं लिखेंगे, पी सी का वैल्यू दे रखा था 5 दे रखा था और इसका वैल्यू हमने जस्ट निकाला 4.8, जोड़ोगे तो 9.8 आएगी, है ना, हम लोगों ने 2 times कर दी, नहीं करना है 2 times, तो हमारा क्या आ जाएगा 9.8 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कह रहा है कि यदि ए जो है प्रथम चतुर्थांश में अवस्थित है, तो 6 tan A = 5 है, तो हमें फाइंड करना है 8 sin A - 4 cos A / cos A + 2 sin A का मान हमें बताना है कि क्या होगा। तो चलो हम लोग बना के देखते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या आप ऐसे लिख सकते हैं कि tan A = 5/6, इतना लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं। तो देखो अब जो टैन की वैल्यू होती है वो क्या हम लोग साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस यानी साइन की वैल्यू 5 और कॉस की वैल्यू
छः आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन की वैल्यू क्या आ गया है, 5 आ गया है इसकी जगह पे, और कॉस की वैल्यू 6 रख सकते हैं यहाँ पे। तो इजी में हम लोग बना सकते हैं, तो 8, 8 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे हमारे पास पहले साइन आ गया है ना, तो साइन हमारा 5 है और कॉस हमारा क्या है, कॉस हमारे पास 6 है, तो इसके जगह पे 5 रखो, इसके जगह 5, 8 5 40 हो गई, ठीक है। माइनस ये कितनी हो गई, 6 चौका 24 हो गई, और देखो ये कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास ऑलरेडी 6 है, और प्लस में ये कितनी हो जाएगी, तो 5 दूना के 10, यानी कितने नीचे 16 हो जाएगा, और ऊपर ये घटाओगे तो 16/6, इसे डिवाइड करोगे तो 1। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखा है हमारे पास समरूप दे रखा है ना, क्या बोल रहा है कि ABC ट्रायंगल जो है समरूप है PQR के, PQ जिसमें दे रखा है कितना 10 और QR 12, तो PRP का वैल्यू 16 है। यदि हमारे पास एरिया दे रखा है PQR का और रेशियो ABC का एरिया जो है 9/4 है, तो BC किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो आप देखो यहाँ पे A, B एंड C है, ये है PQ एंड R है, ये तीन दोनों जो है इसका दे रखा है हमारे पास का एरिया, ये 9 है और ये 4 है हमारे पास, ठीक है। तो ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे कैसे इसको बनानी है, पर में आपको याद होगा तो इजी में बना सकते हो आप। चलो हम लोग बना के दिखाते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो भी एरिया होता है, जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, एरिया का क्या होता है हमारे पास ट्रायंगल PQR का एरिया जो है हमारे पास ट्रायंगल ABC की एरिया जो है इक्वल क्या होगी, तो इक्वल होगी QP/BC होगी ना, तो QP/BC ये स्क्वायर में होती है, जो स्क्वायर हट के इस पे रूट ओवर पे आ जाएगी, तो इसे हम लोग स्क्वायर हटा के सीधे इस पे रूट पे डाल देते हैं, यानी क्योंकि इसकी वैल्यू दे रखा है, तो 9/4 इक्वल QP, QP के इसमें वैल्यू दे रखा है क्या, QP का ही या PQ का ही बात सही है, तो 10 है और BC की वैल्यू कितने रखे, BC तो है नहीं, तो BC हमें फाइंड करनी है ना, तो BC को आप 1 से ले लो। अब देखो इस पे रूट ओवर है, तो 9 का 3 और 4 का 2 होता है, तो 3/2 लिखो, और इधर में कितना था 10/x रखो, ठीक है, या फिर BC रखो, बात यही है। अब देखो क्रॉस मल्टीपल करो तो कितनी आ जाएगी, तो 20/3 आ जाएगी, 20/3, तो आंसर क्या दिख रही है हमारे पास, 20/3, ऑप्शन नंबर राइट आंसर सी होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 18% की छूट देता है, और 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लाभ, मतलब अंकित मूल्य करना चाहिए, तो कितना अंकित करना चाहिए अधिक, देखो कैसे बनेंगे, यह जो अंकित करेगा वह 6.6 इक्वल क्या हो जाएगा, x-18 - 18x/100, यह AB सूत्र से हम लोग बनाएंगे। आपको पता है ABC सूत्र क्या होता है कि A+B और प्लस माइनस AB × B/100 होता है, यही है AB सूत्र है, ठीक है, तो इसी पे हम लोग को इस पे करेंगे, ओके। तो इतना आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, 24.6 इक्वल 82/100 होगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2460/82 हो जाएगी 82, इसको काटोगे तो कितना 30 टाइम में कटेगा, यानी परसेंटेज कितना आ गया हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन डी आ गया, 30%। अब देखो नेक्स्ट है, कह रहा है कि स्थान ए और बी 144 किलोमीटर दूर है ना, दोनों जो है दोनों कार्य एक साथ शुरू होती हैं, एक ए से और बी दूसरी बी से, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो 12 घंटे बाद मिलती हैं, है ना, लेकिन वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो वे 9/8 घंटे बाद मिलती हैं, तो तेज गति से चलने वाली कार कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है वो हमें बताना है। तो आइए हम लोग बताते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, a माइनस b जो है वो कितना है, 144/12 काटोगे तो कितनी हो जाएगी 12, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, a माइनस b इक्वल 12। अब a+b फाइंड करते हैं, a+b कितनी है, 144/9 और 8 से काटो तो कितनी आ जाएगी 128 आएगी, a+b 128 और a-b कितनी आ गई 12, और यहां से हम दोनों से निकालेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 12+128/2, इसको काटोगे तो कितनी आ जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के केंद्रक, यहाँ पे निर्देशांक दे रखा है -1 और 2, फिर सी निर्देशांक क्या होगा यदि A और B निर्देशांक 3, 0
और माइनस एक है, तब तो यहाँ पे एक त्रिभुज दे रखा है, ये ए और ये बी और ये सी दे रखा है, तो हमें ये वाली पॉइंट भी दे रखा है, हमें फाइंड ये वाला करना है एक्स और वाई। इसको ले लो, इसकी वैल्यू तो दे रखा है ए और बी का, और ओरिजिन का भी वैल्यू दे रखा है -1 और 2 यहाँ पे देख रहे हैं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। निर्देशा जो केंद्र के निर्देशांक होती है वो होती है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 होता है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होगा। ये हमारा केंद्र का निर्देशांक है ना। तो x का निर्देशांक क्या आ जाएगा बताइए। तो x का निर्देशांक आप देखोगे तो 3 माइनस 1 प्लस x बाई 3 इक्वल क्या आएगी, -1। अब देखो यहाँ पे क्रॉस करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक प्लस एक्स इक्वल आएगी -3, यानी एक्स इक्वल क्या होगा, -3 और -2, तो कितनी हो जाएगी, -3 और -2 तो हो जाएगी -5। एक्स की वैल्यू आ गई -5 है ना। अब वाई निर्देशांक का फाइंड कर लो, y1 y2 y3 तो 0 और -1 और प्लस वाई बाई यहाँ पे 3 इक्वल में क्या है, 2 है, क्रॉस मल्टीपल कर लो तो 6 और -1 प्लस वाई, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू कितनी आई है, तो -5। -5 और 7 देखो तो कौन सी है, -5 और 7, तो आंसर कौन सी है, -5 और 7, ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कार्बनिक यौगिक में जो है श्रृंखलाएं किसकी होती है, किसकी होती है यह, तो आंसर बनेगा ऑप्शन ए, कार्बन की होती है। किसी परमाणु में m कोश में अधिकतम कितने उपकोष होते हैं, कितने उपकोष होते हैं, तो यह बने एस पी डी होते हैं, कितने होते हैं, एस पी डी 3 होते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कह रहा है कि बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक जो है इलेक्ट्रॉन बंधुता किसके समान होती है, किसके समान होगा बताइए, हीलियम के समान होगा, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा यहाँ पे। देखिए K4FeCN6 में पोटेशियम की संयोजकता क्या है आपको बताना है, पोटेशियम की संयोजकता क्या है, तो पोटेशियम की संयोजकता 1 है, आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। नायलोन क्या है बताइए, नायलोन क्या है यहाँ पे, तो नायलोन जो है वह एक पॉलीएमाइड है, क्या है, पॉलीएमाइड, आंसर ही बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहला ऑप्शन में कि 4NH3 प्लस जो है 5O2 यह बना रहा है 4NO और प्लस 6H2O बना रहा है ना, तो आप देखोगे तो ये आपका पूरा करेक्ट आंसर बन रहा है। तो देखो ये जो हमारा करेक्ट आंसर बन रहा है ये उत्प्रेरक मतलब 500 कैलोरी दे करके बन रहा है ना, तो यहाँ पे जो हमारे पास अमोनिया का निर्माण जो होता है सामान्यतः तो वह कैसी होती है, वह होता है हैबर विधि के द्वारा। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है। यह जल में अत्यधिक क्या होता है, घुलनशील होता है। अमोनिया के निर्माण में जो है लौह चूर्ण का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखोगे तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वर्गीकरण की आवश्यकता के उपयुक्त जो है कारण नहीं है, उपयुक्त कौन कारण नहीं है, तो आंसर देखोगे तत्वों में उनके रंग के अनुसार जो है स्थान देता है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। कह रहा है कि यदि कार्बन C4 माइनस में है, देखो आप माइनस माइनस मतलब क्या हो? ले रहा है ना, ठीक है, तो कार्बन आयन में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटोनों की संख्या क्रमशः क्या क्या होगा ये बताना हो, तो देखो कार्बन का एग्जिट जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 6 होती है, पता है आपको, 6 में वो ले रहा है कितना, और 4 ले रहा है, तो हो कितना जा रहा है, 10 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है अब 10, तो पहले 10 वाला सीधे से देखो ना, पहले 10 कौन सा है, आप तो खुद देख रहे हो ऑप्शन डी, उसके बाद उसकी वैल्यू खुद होती है कितनी, सी की वैल्यू 6, यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब देखो रक्तालपता क्या है, रक्तालपता है क्या बताओ, तो आंसर बनेगा यह अलपता रोग है, कौन सी है, अलपता रोग है। ये देखो रक्तालपता होता है विटामिन B12 की कमी से होती है, किससे होता है, विटामिन B12 से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबालामिन है। विटामिन B12 में मुख्यतः कोबाल्ट पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कोबाल्ट, जो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। अगला देखोगे कि भारत की जो है स्थलीय सीमा कितने देश को छूती है, कितने देशों को छूती है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 7 देशों को छूती है। वो कौन कौन से देश है एक बार सुन लो, वो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान है, ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो है सीमा किस देश के साथ लगी हुई है स्थलीय में, तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, कितना है, तो 4096.7 किलोमीटर है।
ठीक है, ये बांग्लादेश के साथ है। और सबसे कम पूछा जाए तो 106 किलोमीटर है, किसके साथ, तो वह है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या कि सांभर झील कहाँ पे, बता दो ये सांभर झील, आंसर क्या बन जाएगा आपका, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सांभर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है ना। और भारत की सबसे नमकीन झील कौन सी है, सांभर झील ही है। भारत का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील कौन है, वुलर झील है। और वुलर झील कहाँ पे बताओ, कश्मीर में है। और भारत की सबसे लंबी झील कौन है, वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील कहाँ पे है, केरल में है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है, चिल्का झील, और चिल्का झील कहाँ पे है, उड़ीसा में है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील है, और वो कहाँ पे है, रूस में है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर, वो कहाँ पे है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कहाँ पे है कैस्पियन सागर झील। अब देखो अगला, निम्नलिखित में से कौन जो है भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, बताओ कौन है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी है। कौन सी है, नर्मदा, नर्मदा और नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा जानी जाती है नाम से, और नर्मदा नदी की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। नर्मदा नदी जो है एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नर्मदा नदी की भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यह नदी भी डेल्टा और वजाय एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी जो है बैतूल जिला में जो मुलताई नामक स्थान से निकलती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जो 1465 किलोमीटर लंबी है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है, बताओ कौन सा नहीं है, तो करेक्ट आंसर बताओगे आप, गहतत, गहतत जो है यह क्या है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोल रहा है कि श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आपको बताना है श्रीलंका के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, बताइए, तो आंसर बनेगा पिदूर ताल गाला चोटी जो है समुद्र से लगभग कितनी है, 2524 मीटर है। पिदूर जो ताल गाला जो चोटी है या माउंट पेड्रो के नाम से भी जानता है, क्या नाम से, माउंट पेड्रो, याद रखो माउंट पेड्रो भी इसको कहते हैं ना। यह मुमुनुकुला जो है श्रीलंका की पर्वत चोटी की ऊंचाई 2035 मीटर है। गाडविन आस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, पीओ के स्थित, इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है, जो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानी जाती है, इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट सर्वप्रथम जो है 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एमंड हिलेरी और तेंजिंग नारगे चढ़ने में सफलता प्राप्त किए थे। निम्नलिखित में कौन राज्य जो है बांग्लादेश को नहीं छूता है, बताइए कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को नहीं छूता है, वो कौन है, मणिपुर जो है बांग्लादेश को नहीं छूता है। अगला देखिए, दाची ग्राम जो जम्मू कश्मीर में स्थित है क्या है, अभ्यारण है, वो कैसा अभ्यारण है, बताइए, तो आंसर बनेगा ये राष्ट्रीय उद्यान है, आंसर बनेगा बी, करेक्ट आंसर बी होगा, ये राष्ट्रीय उद्यान है। दाची ग्राम नेशनल पार्क की दर्जा जो है कब मिला था, 1981 में मिला था, है ना। दाची ग्राम सब जो शाब्दिक अर्थ जो है 10 ग्राम होता है, जो 10 ग्राम का मिलकर जो है शुरू में संरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। इस पार्क में पाई जाने वाली वृक्ष जो है देवदार है, चीर है ना, और साहब बलूत है, ओक है, ये सब है। भारत का प्रथम जो नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 में होती है, दाची ग्राम झील के समीप में है। अगला देखिएगा, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध जो है सांस्कृतिक नृत्य है, बताइएगा झिझिया, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा आपका करेक्ट आंसर बी, कहाँ का है, बिहार का है ना। झिझिया नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। झिझिया नृत्य में जो है छिद्रित जो घरा में दीपक जलाकर जो है महिलाओं सिर पर रखकर नृत्य करती है। अगला देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कॉल से सम्मानित किया गया है, तो यह किस देश का है, रूस का है, आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। यह कब दिया गया है, तो 9 जुलाई 2024 को रूस के जो है मॉस्को क्रेमलिन के जो है सेंट कैथरीन हॉल में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और यह प्रधानमंत्री मोदी जो है 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए जो हाल ही में रूस की अपनी 2 दिवसीय यात्रा किए हैं। हाल ही में पृथ्वी दिवस कब मनाया गया, बताइए, हाल ही में पृथ्वी दिवस मनाया कब गया है, तो आंसर बनेगा बी, 22 अप्रैल को मनाया गया है। पृथ्वी दिवस का इस बार का जो 2024 के लिए थीम क्या है, तो प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है।
हर साल 22 अप्रैल को बिहार दिवस और विश्व जल दिवस भी मनाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि हाल ही में जारी वैश्विक वैदिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है, भारत कौन से स्थान पर रहा है, भारत 42वें स्थान पर रहा है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी 42वें स्थान पे। और शीर्ष पे कौन रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने अपनी पहली विदेशी परियोजना किस देश में शुरू किया है, कौन से देश में शुरू किया है, ओमान में किया है। आंसर बनेगा डी ओमान। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहे कि भारत ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया गया है, बताइए कहां पर किया गया है। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर बी गुजरात में किया गया। कहां पे, गुजरात में किया गया है। बताइए 3x² + 2x³ + 3x² - 4x + k व्यंजक है x माइनस टू, तो हमें विभाज्य है तो k की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू बताओ पहले क्या होगा, 2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, अब 2 आ गई तो यहाँ पे 2 रखो, कितने 8 × 2 = 16 हो जाएगी, प्लस ये कितनी हो जाएगी 4 × 4 = 12 हो जाएगी, माइनस ये कितनी हो जाएगी 4 × 2 = 8 और प्लस में k रहेगी इक्वल में 0। अब देखो ये कितनी हो जाएगी बता दो, तो 24 × 4 = 28 में से 8 घटा दो तो 20 और इक्वल में क्या हो जाएगी हमारे पास के, यानी के की वैल्यू जो आएगी माइनस में 20 आ जाएगी। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि एक कटोरे में नीली 9 नीली 7 सफेदी और 5 काली गेंदे हैं, यदि एक बार में 2 गेंदे को निकाल दिया जाता है तो केवल एक ही गेंद सफेद होने की परिक्ता हमें बतानी होगी कि क्या होगी। तो चलो इसे कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, आपको फॉर्मूला याद होगा तो बना पाओगे। C1 जो है और मल्टीपल बाई C1, ये कितना है 14 और ये कितना है 7 बाई, यहाँ पे रखेंगे हम क्या, जो C2 है हमारा क्या है 21 है ना, बस रखो यहाँ पे 7 × 14 और यहाँ पे 21 × 20/2 होगा, इसके काटो 10 यानी कितनी हो जाएगी 210, यानी 7 × 14/210। अब इसे काट दो आप, तो काटोगे तो कितनी हो जाएगी 21 × 20 थी जो हमारे पास क्या गई है 7 × 14 और यहाँ पे 21 × 20 ऊपर चली जाएगी 2 है ना, अब इसे काट दो तो ये आ जाएगी 10। अब और कटेगी 7 × 21, अब तो कटने वाली है नहीं, ये काट सकते 2 × 5 × 2 × 7 × यानी 7/15। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर राइट आंसर बी देख रहे होंगे 7/15 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के आकार के मैदान का परिमाप जो है 800 मीटर है, इसकी विकर्ण जो है 240 है, तो मैदान का क्षेत्रफल हमें बताना है कि कितना हो जाएगा। तो आप देखोगे हमारे पास परिमाप दिया है 800, तो ये परिमाप होता है 4a = 4 से काटो तो कितना आ जाएगा 4 × 2, यानी भुजा कितना निकल गया a निकल गया। अब हमें फाइंड करना है, तो आपको पता है कि d1² + d2² ये इक्वल होगा 4a के इक्वल में, तो a की वैल्यू दे रखा है हमारे पास 200 का, ठीक है 4a² होता है, और d1 240, तो d2 हमें फाइंड करनी है, तो यहाँ पे 240² कर दो प्लस d2 तो हमें फाइंड ही करनी है इसका होल स्क्वायर, और इक्वल में 4 × 200² तो कितना आ जाएगी, d2² करोगे तो ये 1,60,000 आएगी, माइनस में करोगे तो ये आ जाएगी 57,600, घटा दो तो कितनी आ जाएगी, यह 1,24,000 होगा, 1,02,000 ये होगी। अब इसका स्क्वायर रूट पता कर दो तो 1024² = 32 होता है 10, यानी 320 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया 320 हमारा d2 आ गया। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप निकाल लोगे 1/2 d1 × d2 होता है, तो d1 कितना आ गया है 140 तो पहले से है और ये 320 आया है हमारा, काटो इसको 120 तो काट इसको मल्टीपल कर दो कितनी हो जाएगी हमारे पास, तो 384 + 20 यानी आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है क्या यहाँ पे दिया गया है AB/AC इक्वल जो है BD/DC, तो हमें एंगल बताना है एंगल ABC की वैल्यू, AB & C की वैल्यू, मतलब ये वाली फाइंड करके हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू हमारा, ये 160 दे रखा है, ये 28 दे रखा है ना, तो बताइए कितनी हो जाएगी ये वाली हमारी वैल्यू। चलिए हम लोग इसको निकाल के देखते हैं कितनी हो जाएगी। जो हमारे पास दे रखा है AD क्या कर रहा है, A को समद्विभाजित कर रहा है, समद्विभाजित मतलब ये 28 है तो ये भी कंफर्म है 28, तो 28 कितनी होगी 54, ये 54 और ये 60, तो दोनों को ऐड कर दो कितनी हो जाएगी, ये दोनों जो हो जाएगी आपका
इलेवन 114 114 आ गई है हमारे पास। टोटल कितना होता है 180 ट्राइंगल होती है, इसमें से माइनस कर दो कितनी हो जाएगी 6, और ये कर दोगे तो 6, तो यानी आ कितना गया हमारे पास, ये आ गया 66 आ गया। कितना आ गया हमारे पास 66 आंसर आ गया। 28 कितनी हो जाएगी हमारे पास 56 ना होगी, हम लोगों ने गलत कर दिया, 56 और ये 60 दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 11 मतलब 116 हो जाएगी टोटल 116, उसमें से 180 माइनस कर लो तो कितनी हो जाएगी 64। तो आंसर क्या आ गया हमारा ऑप्शन नंबर सी बन गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्या कि यहाँ पे 8 व्यक्ति दिए गए जो सीधे पंक्ति में बैठे हुए उत्तर की तरफ मुंह करके है ना, ए जो है दाई ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे, ए के दाई ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे बैठा दिए 3 व्यक्ति केवल, 1 2 3 4 5 6 7 1 8 यहाँ पे 8 व्यक्ति, ए की दाई ओर बस 3 व्यक्ति है ना, तो ए ऐसे जगह पे बैठा हो कि उसके जगह पे 3 व्यक्ति उधर दाई में बैठ सकते, ठीक है हमने यहाँ पे बैठा रखा। अब बोला क्या कर रहा है कि बी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठे हैं, बी जहाँ पे होगा ए और बी के बीच में केवल एक, तो एक व्यक्ति बैठ गए ओके। अब बोला क्या कर रहा है बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति, बी और डी के बीच में केवल 4 व्यक्ति, तो वैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 यानी डी हमें यहाँ बैठाना होगा तब तो 4 व्यक्ति बैठेंगे। अब देखो कह रहा है एफ जो है डी के दाई ओर ठीक बगल में है, एफ जो है डी के ठीक दाई ओर, डी के ठीक दाई ओर कौन होगा, तो एफ यहाँ पे होगा ठीक है दाई ओर जस्ट। अब देखो कह रहा है कि सी ना तो बी की ओर और ना ही डी के बगल में बैठा है, सी ना तो यहाँ बैठाना है और ना ही यहाँ पे बैठाना, तो सी बैठेगा कहाँ, या तो यहाँ बैठेगा, तो यहीं पे एक सेफ जगह है इसके लिए। अब देखो कह रहा है कि ई जी के दाई और दूसरे स्थान पे, ई जो है जी के दाई स्थान के दूसरे स्थान पे है, तो ई डालो कहाँ पे रहेगी, ई जो है यहाँ पे जी के दाई और से दूसरे स्थान पे यहाँ पे हो गई ना। अब देखो कह रहा है यहाँ पे क्या कि एच और ए के बीच कितने व्यक्ति हैं, एच और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो एच कहाँ पे हो जाएंगे लास्ट में, एच और ए यहाँ पे ए और यहाँ पे एच, तो कितने व्यक्ति बैठे हैं 3 व्यक्ति बैठे हैं मात्र, तो आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए इसमें आपको बताना है गणितीय चिन्ह का प्रयोग करके इसमें से आपको चेंज करना होगा, बाई ऑप्शन यूज करके आपको बताना होगा, तो आपको ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन नंबर आप डी रखोगे तो करेक्ट आंसर आपकी आ जाएगी। इसमें बताना है कौन आपको घुमाने की अनुमति नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन से अंतर्निहित है, मतलब ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना ये और ये या फिर ये या फिर ये कौन इसमें है, ये आपको बताना है ना कौन है, तो बताइए कौन है इसमें, तो आप देखोगे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसमें निहित है ना, तो आंसर क्या बनेगा बी। अब बताना है कि कौन सी प्राणी जो है समुद्रों में पाए जाते हैं, कौन सी प्राणी है इसमें बताइए ऑप्शन बेसिस पे, तो आंसर देखोगे आप इकाइनोडर्मेटा जो है यह पानी में पाए जाते हैं, क्या बनेगा इकाइनोडर्मेटा जो समुद्र में पाए जाते हैं, तो आंसर क्या बनेगा इकाइनोडर्मेटा जंतु का जो सबसे बड़ा जो क्या है फाइलम है, यह प्राय लवणीय जल तथा अधिकतर जो है तलिक में जो है घूमने वाले त्रिकोरिक तंतु पाए जाते हैं, तंतु हैं ये, आंसर बी बनेगा। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं जो है एग्जाम्पल आप देखोगे तो सलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, किसमें उपस्थित होती है बताइए, तो आंसर बनेगा सी रेटिना में, आंसर क्या बनेगा करेक्ट आंसर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है, कौन सा सही है बताइए, तो आंसर देखोगे आप करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, प्रत्येक प्रोटीन के लिए जो है विशिष्ट जीन होती है, प्रत्येक जो है प्रोटीन के लिए क्या होती है तो विशिष्ट जीन होता है, जीन जो है पॉलीन्यूक्लियाइड का बना होता है, जीन किसका बना होता है पॉलीन्यूक्लियाइड का, जीन सामान्य रूप से जो है एडिनिन थाइमिन और ग्वानिन एवं साइटोसिन के बने होते हैं, जीन के बारे में सर्वप्रथम जोहानसन ने बताया था, एक जीन ही कई अनुवांशिक लक्षणों के विकास को प्रभावित करती है, इसे बहु प्रभावी जीन भी कहते हैं हम लोग है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम लोग का कि मानव का आहार नाल विभिन्न भागों के जो है सही क्रम का हमें चयन करना है, आहार नाल के विभिन्न भागों को, तो वो कौन सा है देखोगे तो आप देखोगे पहले मुख, उसके बाद ग्रासी मतलब गर्दन, उसके बाद अमाशय, उसके बाद क्षुद्रांत, उसके बाद बृहदान्त, तो आंसर क्या बनेगा करेक्ट आंसर हमारा यही बन जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भोजन का मुख में जो है लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है, अमाशय में भोजन का पचना अम्लीय माध्यम में होता है, छोटी आंत में भोजन का पचना क्षारीय माध्यम में होता है, और भोजन का अवशोषित जो है छोटी आंत की जो है रचना
विली के द्वारा होता है। अगला देखिएगा, फिनाइल जो है क्यूटोनोरिया, फिनाइल जो है क्यूटोनोरिया नामक रोग में क्या होता है, बताइए क्या होता है। तो आंसर देखोगे उत्तकों में जो है फिनाइलोनिन बढ़ जाती है, आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में भाग लेने के बाद आपको ऐठन होता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसका सबसे सटीक कारण हो सकता है, कौन सा हो सकता है सटीक कारण बताओ। तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी और पाइरोवेट का जो है लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन, आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तो बताना है मिथिक नहीं है, मिथिक नहीं मतलब समझ रहे ना, मतलब झूठा नहीं है, तो कौन सा है बताइए। तो आंसर बनेगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पे सी जो ऑप्शन नंबर हमारा ये मिथिक नहीं है। तो देखो क्या है, चिप्स और जो डिब्बाबंद स्नैक्स जैसे खाद्य पदार्थों में पोषण कम होता है, इसलिए जो है किशोरावस्था और प्रजनन चरण के दौरान जो है इन्हें नहीं खाना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। अगला देखिए, कह रहा है कि पौधों की पत्तियों के द्वारा भोजन में फ्लोएम के माध्यम से पौधे के किन भागों तक पहुंचाया जाता है, किन भागों तक, तो ये जड़ों बीजों फलों और विभाजित तक तक पहुंचाया जाता है, आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर डी बनेगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या, कि किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो बताइए किस एंजाइम को। तो आंसर क्या बनेगा, करेक्ट आंसर पेप्सिन, राइट आंसर क्या बनेगा, पेप्सिन की होती है। प्रोटीन का पाचन के लिए जो है पीएच मान कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। जठर रस में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन की सक्रिय जो है पेप्सिन में बदल जाता है ना। जठर रस का अधिकतम भाग क्या होता है, जल होता है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।